Hello and welcome to the career paper. I am Subhash Poddar. यह सेट नंबर 10 है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत फ्लाई एस यूटिलाइजेशन पर. आइए देखें ये फ्लाई एस के बारे में क्या कुछ है. तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ फ्लाई एस. फ्लाई एस का जनरेशन कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है. जनरेशन ऑफ फ्लाई एस तेजी से बढ़ती ऊर्जा की मांग और लगभग 2/3 ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हेतु कोयला पर इसकी निर्भरता, यही मेन काउज है जो कि लार्ज स्केल पर फ्लाई एस को जनरेट करता है. और मैनेजमेंट ऑफ फ्लाई एस एक चिंता का विषय है. मैनेजमेंट ऑफ फ्लाई एस अ मैटर ऑफ कंसर्न. फ्लाई एस के डिस्पोजल के लिए भूमि के बड़े चाप की आवश्यकता पड़ती है, मतलब एक लार्ज आर्क ऑफ लैंड इसके डिस्पोजल के लिए चाहिए, मतलब ज़्यादा भूमि चाहिए, मोटा मोटी यही है अर्थ. और उस दृष्टि से फ्लाई एस का प्रबंधन एक चिंता का विषय रहा है. और फ्लाई एस डिस्पोजल की जो पर्यावरणीय समस्या है, इन्वायरमेंटल ये जो है प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 1999 में फ्लाई एस यूटिलाइजेशन पर नोटिफिकेशन जारी किया. 99 में किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, फ्लाई एस डिस्पोजल से जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होता है उससे उसकी ओर ध्यान खींचने के लिए, एड्रेस करने के लिए 99 में नोटिफिकेशन जारी किया, इशू किया. और ये कोल या लिग्नाइट पावर बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस के लिए फ्लाई एस यूटिलाइजेशन हेतु लक्ष्यों को प्रेस्क्राइब करता है. टारगेट प्रेस्क्राइब किया है. ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया वो क्या प्रेस्क्राइब किया, लक्ष्यों को किसके लिए, कोल या लिग्नाइट पावर बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन के लिए, TPS के लिए जो कोयला और लिग्नाइट पर आधारित हो, उसके लिए लक्ष्य को प्रेस्क्राइब करता है ये नोटिफिकेशन. और देखिए उसको एक एम भी देता है ऐसे पावर स्टेशंस को कि ये फेज्ड मैनर में चरणबद्ध तरीके से 100% यूटिलाइजेशन अचीव कीजिए, इस तरह का एम रखा गया उन लोगों पावर स्टेशनों के लिए. अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया उसका कुछ उद्देश्य भी था, ऑब्जेक्टिव्स. उद्देश्य थोड़ा सा जाना माना है उद्देश्य. सबसे पहला तो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है, टॉप सॉयल को कंजर्व करना है. टॉप सॉयल मतलब कि फ्लाई एस जो नीचे ज़मीन पर आएगा तो टॉप सॉयल को ही ढकेगा, तो टॉप सॉयल की रक्षा भी करनी है. तो ये उद्देश्य नंबर 2 है, टॉप सॉयल को कंजर्व करना, संरक्षण करना. और ये जो TPS है, भूमि ताप विद्युत गृह, भूमि पर इन विद्युत गृहों से फ्लाई एस के डंपिंग को प्रिवेंट करना. ये जो TPS है ताप विद्युत गृह, और वहाँ यहाँ जो फ्लाई एस का जनरेशन होता है उसको वो डंप कहाँ करता है, लैंड पर करता है, भूमि पर. डंप करना मतलब उझल देना, और उससे प्रिवेंट करना है, उससे बचाना है. निर्माण गतिविधि और बिल्डिंग मटेरियल्स के भी निर्माण में एस के यूटिलाइजेशन को प्रमोट करना है. ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और बिल्डिंग मटेरियल्स के मैन्युफैक्चर में, विनिर्माण में एस के यूटिलाइजेशन को क्या करना है, बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है. और ये 99 में जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था उसको 2009 और 2016 में संशोधित किया गया, अमेंड किया गया.
और भी इधर हाल फिलहाल हुआ होगा, लेकिन 2016 तक का है ये डेटा। तो 99 का नोटिफिकेशन 2003, 2009, 2016 में अमेंड किया गया। अब देखिए, इन नोटिफिकेशन का फ़ायदा दिख रहा है सीधा। ये फाइनेंशियल ईयर है और ये फ्लाई एस यूटिलाइजेशन है। तो देखिए, 96-97 में 6.64 मीट्रिक टन फ्लाई एस यूटिलाइजेशन हुआ, जबकि 2015-16 में ये बढ़ के 107.77 मीट्रिक टन हो गया। यानी फ्लाई एस यूटिलाइजेशन बिल्कुल बढ़ रहा है, और तब जाके एक जो लक्ष्य दिया गया है ये पावर स्टेशंस को, वो थोड़ा सिद्ध होता हुआ दिख रहा है कि उस पर काम भी हो रहा है, फ्लाई एस यूटिलाइजेशन पर। तो फ्लाई एस पहले हजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल माना जाता था। इसको अर्लियर इस रूप में जाना जाता था कि ये हजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया, उसमें फिर अमेंडमेंट आया, उसके तहत जो काम शुरू हुआ फ्लाई एस यूटिलाइजेशन पर, तो अब ये क्या हो गया, यूजफुल और सेलेबल कमोडिटी हो गया, उपयोगी और बिक्री योग्य पदार्थ हो गया, वस्तु हो गया। तो ये था बिल्कुल संक्षिप्त में फ्लाई एस यूटिलाइजेशन पर चर्चा। इससे आप अवगत तो हो पाएंगे कि फ्लाई एस यूटिलाइजेशन है क्या, तो इसको देखें, अध्ययन करें, फिर नेक्स्ट टाइम वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और वीडियो लाया जाएगा। तब तक आप करियर से पर वीडियो वाच करें। बहुत बहुत धन्यवाद।